दोस्तों जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई ही कामयाबी का सबसे बड़ा सहारा बनती है कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद हमें सफलता नहीं मिलती दरअसल ये हमारी परीक्षा है जहां ऊपर वाला हमें टटोल रहा है वो देख रहा है कि क्या हम कामयाबी की चरम सीमा के लिए तैयार हैं? जो लोग थक कर रुक जाते हैं वही रुक जाती है उनकी किस्मत और जो माथे का पसीना पोचकर एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ते हैं ऊपर वाला उनके सामने पूरी सृष्टि झुका देता है उनका नाम इतिहास के पन्नों में यूं जुड़ जाता है कि आने वाली कई पीढ़ियां उनसे प्रेरित होती हैं और वो नाम एक आदर्श बन जाता है कुछ ऐसी असाधारण कहानी है मेरी यहां आई दोस्त की वो एक अद्भुत कलाकार है उनकी उपलब्धियां एक मिसाल है उनकी अदाकारी की खूबसूरती और उनके चेहरे का नूर हमें मग्न कर देता है हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली एक्ट्रेसेस में से एक प्लीज वेलकम द एटर्नल ब्यूटी माधुरी दीक्षित ऑडियंस की माधुरी आपकी मेरी पहली मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग रही है इलेवंथ मार्च 1984 के डबिंग थिएटर में आ, नीचे डबिंग थिएटर था जी जी। आप यू वेरी यंग इट वाज योर फर्स्ट फिल्म आप अबोध की डबिंग करके बाहर निकली थी और मैं सारांश की डबिंग करने जा रहा था Oh, yes. इतने सारे सालों में सब कुछ चेंज हुआ है लेकिन आपकी खूबसूरती और आपकी स्माइल चेंज नहीं हुई है थैंक गॉड थैंक गॉड डू ग नहीं ऐसा कुछ स्पेशल मतलब स्माइल इज समथिंग जो मेरे माँ बाप ने मुझे दी है इट्स नथिंग दैट आई हैव डन जेनेटिक्स लेकिन uh, मुझे लगता है मेरा कंट्रीब्यूशन है कि जब भी स्माइल करती हूँ दिल से करती हूँ आई एम अ हैप्पी पर्सन और हमेशा खुश रहती हूँ बेसिकली यू नो आई एम अ लविंग हैप्पी लविंगसन मैंने सुना कि आप कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट या सम कुछ बनना चाहती थी uh, मेरे घर में क्योंकि महाराष्ट्रियन फैमिली मिडिल क्लास और एजुकेशन वाज वेरी इम्पोर्टेंट मेरे सब uh, भाई और बहन जित नो दे स्टडिंग और uh, आर्ट में ऐसे कोई नहीं था बिकॉज देवर साइंस स्टूडेंट और मैं भी साइंस स्टूडेंट थी Uh, मतलब डांस सीखती थी कथक hmm. लेकिन एज अ हॉबी इट वॉज नॉट लाइक द मेन स्टे और कभी ऐसा सोचा नहीं था प्रोफेशनली आई विल डू डांसिंग तो uh, मतलब फैमिली एक्सपेक्टेड कि यू नो आई शुड डू समथिंग इन साइंस और आई वॉज स्टार्डिंग आई वॉज इन द ट्वेल्थ और आई वॉज लुकिंग एट माई ऑप्शन की क्या कर सकती हूँ क्योंकि ट्वेल्थ के हॉलीडेज़ में मैंने अबोध की थी अच्छा और uh, उसके बाद एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट बढ़ा टू बी इन फिल्म उससे पहले आई नेवर नेवर थॉट मुझे लगा था कि कथक करूँगी और माइक्रोबायोलॉजी करूँगी आई विल रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड कथक विल बी माई वाज माई प्लान लाइफ एट दैट टाइम से पहले एक्टिंग नहीं की थी

तो स्कूल में उन्हें पता था कि अरे माधुरी ने ऐसे किया डांस किया ये किया एक्टिंग किया स्पीच देती है ये करती है वो करती है तो समवेयर इनज माइंड में भी वो सोच रहे थे यू नो और तभी राजश्री अबोध ये फिल्म करना चाहती थी लेकिन उसके लिए कोई इनसेंट यंग लड़की चाहिए थी उन्हें और तभी गोविंद जी ने हमें आ, अप्रोच किया और कहा कि क्या आप इंटरेस्टेड होंगे माधुरी के लिए तो uh, मम्मी डैडी वगैरह सब नहीं 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 फिल्म नहीं ओके you know, okay. वो पढ़ाई करने वाली है और साइंस कर रही है अच्छा चल रहा है उसका नो फिल्म एंड ऑल तो वो बोले नहीं आप एक बार उनसे मिल लीजिए आप इन लोगों से मिल लीजिए क्योंकि फिल्म्स के बारे में बहुत कुछ ख्याल होते हैं जो नेगेटिव right. होते हैं लॉट ऑफ टाइम्स तो हम गए उनके ऑफिस में मिलने यस Uh, हम uh, तारा चंजी जी से मिले राज जी से मिले और वो ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी के घर आए हैं या मंदिर में और आए हैं करेक्ट और uh, इतना प्यार से इतने ऐसे मतलब साधारण लोग ऐसे लगता नहीं था फिल्मी लोग हैं जो हमारी कल्पना होती है और बहुत ही सीधे बहुत ही अच्छे लोग और तब ऐसे लगा कि यू नो दीज आर नाइस पीपल और इनके साथ काम करना अच्छा रहेगा तो मुझे याद है राज बाबू जी ने जैसे ही मुझे देखा फिर उन्होंने एक बुक निकाली किताब हिंदी में थी किताब और उन्होंने कहा है पीछे जो लिखा है, वो आप हिंदी में था बोले अच्छा है। मैंने बोला, आपने क्यों कहा था क्योंकि बहुत से महाराष्ट्र को मराठी एक्सेंट so, होता है जब वो हिंदी में बात करते हैं तो आपको वो एक्सेंट नहीं है यही देखना चाहता था मेरी पहली मीटिंग परीक्षा थी और उसके बाद ऑफकोर्स अ स्क्रीन टेस्ट एंड एवरीथिंग प्रॉपर कैमरा के सामने दे ड्रेस्ट मी आप लंबी लंबी चोटी वेग्स और एक रूम में कैमरा रख दिया और बोले आप डांस करते हैं आप सीखे हुए हैं hmm. मैंने कहा हाँ मैं सीखी हुई हूँ तो बोले अच्छा हम गाना बजाते थे आप डांस कर दो तो आपके मन में जो आया आपने कर जो आया मैंने किया ऑफकोर्स मेरा भाई था और बाद में इतना ही टू रैग मी अबाउट इट

तो वो जब आदत होती है तो थोड़ा सा लॉस फील होता है uh. कि यू नो इट शुड हैव बट रन लेकिन बिकॉज क्योंकि मेरा लाइफ का गोल नहीं था वो mm. कि मुझे एक्ट्रेस बनना है mm. तो इतना बड़ा भी फेल्यूर नहीं लगा मुझे लेकिन mm. मुझे शौक हो गया कि कहीं मुझे ऐसे लगा कि ये एक्टिंग बहुत अच्छी चीज है एंड आई एंजॉय डूइंग इट और इवन व्हेन वेन मतलब दिन डू वेल लेकिन फिर भी द ऑफर्स वर कमिंग फॉर डिफरेंट फिल्म्स जैसे स्वाति के लिए छोटा रोल था फिल्म में लेकिन ऑफर देयर right. और अच्छे प्रोड्यूसर थे जी। uh. और आवारा गुड प्रोड्यूसर लीड इन सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी उनकी बहन बनी थी एक में। uh. तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं स्टडीज भी करूं और 10 10 दिन की शूटिंग होती थी मेरी पढ़ाई भी कर सकती हूं और Uh, छोटे रोल्स भी कर सकती हूँ जहाँ मुझे मजा आता है करने के लिए सो यू नो आया। हाँ ऐसे बहुत कुछ चेंज नहीं आया कि ओ अभी फेलियर हो गया या स्टूड बाय मी किसी ने ये नहीं कहा अरे ये तो बहुत बुरा हो गया तुमने ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं और लाइक सो व्हाट यू नो आपके पास हुनर इतने थिंग्स यू ड्रीम्स आपके सपने हैं कि आपको अ uh, माइकल बनना है जेनेटिक्स में रिसर्च करना है तो यू कैन डू आप ने वो कंटिन्यू किया वेल माइक्रोबायोलॉजी आई डिड फॉर सिक्स मंथ्स फॉर बीएससी अच्छा बट आफ्टर दैट ऑफ कोर्स सुभाष जी uh, से मुलाकात हुई और उन्होंने कर्मा के लिए गाना करने के लिए मुझे uh, कहा कि yes, यस ये uh, मुझे कहानी uh, दर्शकों को जरूर सुनानी है जी। कि हाउ एक uh, आपकी जो हेयर ड्रेसर थी खातून जी वो आपकी कुछ फोटोग्राफ लेकर सुभाष साहब कर्मा की शूटिंग कश्मीर में कर रहे थे जी। और उन्होंने कहा कि की हम लोग मिले वहाँ पे और सोनाल जी जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने कुछ ज्यादा ही प्रेज कर दिया की बहुत अच्छी लड़की है नहीं है बहुत अच्छा एक्टिंग करती है बहुत अच्छा डांस करती है उन्होंने कहा आप तुम करोगी मैंने कहा हाँ मुझे डांस अच्छा लगता है मैं करूँगी और वहाँ कश्मीर में फिर सरोज जी से आ, मुलाकात हुई और आ, हमने वो छोटा सा हिस्सा किया डांस का और तब सुभाष जी ने आ, कहा कि तुम ये छोटे मोटे रोल्स मत करो फिल्म में डोंट डोजी स्मॉल रोल्स क्योंकि आई सी कि आप में वो हुनर है वो टैलेंट है और आ, मैं चाहूँगा मेरी फिल्म में आपको साइन करने के लिए

मैं सच बोलूं मतलब आई एम नॉट लाइंग एट ऑल प्लीज आप सच ही की मुझे कुछ उसका मतलब आई आई हैड नो क्लू कि ये कितनी बड़ी चीज थी फॉर द इंडस्ट्री व्हेन समबडी वाज बीइंग लॉन्च लाइक दैट करेक्ट आई हैड नो आईडिया आई हैड नो क्लू मुझे कुछ पता नहीं था तभी और इवन दो कि मैंने फिल्मों में थोड़े फिल्मों में काम किया था तब तक इवन देन मुझे ये रियलाइजेशन नहीं था कि ये कितनी बड़ी बात थी hmm. आज मैं जब सोचती हूँ कि वॉट इट वॉज तब द फुल इंपैक्ट आई कैन अंडरस्टेंड ना लेकिन तभी तो बिल्कुल नहीं मुझे ऐसे लगा ओ मई मेरी तस्वीर आई है अच्छा सिर्फ आंखें दी हैं अच्छा अच्छा you know, like <laughs> <laughs> uh, ते, uh, uh, बापू गारू जो साउथ के डायरेक्टर थे uh. उनको कोई लड़की चाहिए थी बजरंगी करके फिल्म बना रहे थे उसके लिए उसके लिए हमने एक गाना शूट किया था विद अनिल जी एन मी अच्छा और एन uh, चंद्रा ने वो गाना देखा बिकॉज इज एडिटिंग द सॉन्ग और जब उन्होंने देखा तो बोले कि मेरी फिल्म के लिए मुझे कोई नई लड़की चाहिए एंड ही सेड मे बी दिस गर्ल ये लड़की ठीक रहेगी फिल्म hmm. के लिए और uh, तो उन्होंने अप्रोच किया और uh, मैंने स्टोरी वोरी सुनी मुझे बहुत अच्छी लगी बोले ऐसे ऐसे है दीज आर hmm. द कैरेक्टर्स पूरी तो बनी नहीं थी तभी स्टोरी लेकिन जो इन नट शैल थी कि परफॉर्मर है ये है वो है

कोरियोग्राफ uh, किया वो गाना hmm. और मैंने पहली बार वो गाना देखा तो मुझे उसका really so, माय याद, oh, so याद है जब uh, ये गाना सुना सरोज जी ने भी सुना सुनते ही शी सेड बहुत अच्छा गाना है सुपर हिट है उन्होंने इमेजिन भी।, भी कर लिया वो गाना कि कैसे होने वाला है फिल्मी uh. जो डांसिंग था, मेरे समझ में नहीं आता था वो लैंग्वेज जो होती uh. है बॉलीवुड डांसिंग की बहुत अलग होती है क्योंकि कैमरा इन्वॉल्व जब कैमरा आता है तो कहते हैं अरे हाथ इतना मत उठाओ थोड़ा नीचे रखो फिर वहां मत देखो क्योंकि uh. कैमरा वहा है तो वहां देख के आप डांस दो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था गेट वेरी कंफ्यूज तो जब मैंने uh, सरोजी के साथ रिहर्सल्स किए फॉर दिस डांस धीरे धीरे वो लैंग्वेज समझ में आने लगे कि yes. कैमरा की लैंग्वेज क्या है और uh, फिर शी टू मी इंडियन डांसिंग तो तुमने बहुत कर ली uh. लेकिन इसके लिए मैं रिहर्सल कराऊंगी सर कोर्स सरोजी मैं करूंगी रिहर्सल्स क्योंकि मुझे भी ऐसे लगता है कि दिस सॉन्ग नीड्स रिहर्सलब Uh, महबूब स्टूडियो में शायद उसकी जी, शूटिंग जी, थी जी. और वो क्राउड में आई प्लेड योर फादर फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे बहुत हेट मेल आती थी uh, लोग कहते थे कि आप इतनी अच्छी लड़की के इतने बुरे फादर क्यों हैं <laughs> कुछ उसमें आप मुझे मारना मारना <laughs> च... च... हाँ. तेजाब एटलीस्ट चेंज थिंग क्योंकि Hmm. Uh, उत्तर दक्षिण भी की थी और रामलखन वाज बीइंग मेड एट दैट टाइम तो रामलखन took a year and a half to make uh, उसके दौरान भी थोड़ी सी फिल्में आई मैं था yes. और रामलखन में भी था और दोनों में फादर ही बना था जी यू आर माय कांस्टेंट फादर एक्चुअली बड़ा बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता था उन दिनों माधुरी के फादर का रोल करने के लिए और जब तेजाब रिलीज हुई थी आप हिंदुस्तान में नहीं थी नहीं थी और आप माधुरी दीक्षित बन के गई थी और जब वापस आई तो यू वर मोहिनी मोहिनी जी और स्ट्रीट स्ट्रीट अर्चिन जो थे वो आपकी गाड़ी को बोल रहे थे एक दो तीन वाली लड़की और हाँ मु... नहीं क्या हुआ uh, मैं अमेरिका में थी मेरी बहन की शादी हुई वहां पे और यहाँ द मूवी रिलीज तो मुझे uh, रिकू ने फोन किया सुपर हिट सुपर हिट तो मैंने बोला ओ वेरी गुड हिट हो गई फिल्म तो आई वॉज वेरी हैप्पी लेकिन तब तक किसी ने ऐसे मुझे कभी रिकोगनाइज uh, नहीं किया था ऑन द स्ट्रीट या ये नहीं कहा था कि ऑटोग्राफ और एनीथिंगट आर नॉट है ये हुआ नहीं हुआ था अरे बाबा रे <laughs> कितनी तो मुझे याद है कि आई आउट ऑफ द एयरपोर्ट और जैसे मैं वो ट्रॉली लेके मैं चल रही थी उतने में दो छोटे बच्चे आए और वो स्ट्रीट पे होते हैं ना गाड़ी वाड़ी साफ करते थे तभी uh -huh. आके uh -huh. बोले uh, आप एक दो तीन हैं ना एक दो तीन <laughs> तो मैंने कहा हाँ बोले ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ प्लीज तो मैंने साइन किया और दिया वापस तो उसके साथ वाले बच्चे को बोलते देख देख मोहिनी एम एम इज फर्स्ट टाइम पहली बार मैंने एक सक्सेस Uh, देखा और एंजॉय किया और मुझे बहुत मजा आया कि लोगों ने मुझे पहचाना व्हाट डिड इट मीन आपके लिए क्या चेंज हुआ एज पर्सन दैट हुआस उससे पहले क्या हुआ दो मैं थोड़े फिल्में की मैंने एज अ लीड बट नथिंग वाज वर्किंग द फिल्म्स आर नॉट वर्किंग और uh, कहीं ना कहीं ऑफ ऑफकोर्स कहा जाता है कि नहीं हीरोइन मटेरियल नहीं है नहीं हो सकता शायद शी इज टू थिन शी इज टू दिस टू दैट इतने सारे कमेंट्स आपको मिलते हैं विच आर वेरी नेगेटिव तो बहुत सारी नेगेटिविटी हो जाती है अराउंड यू hmm. और वेन वो वो सब कुछ पॉजिटिव हो गया फिर डांस सो वेल और काम अच्छा किया जो सीन्स थे फादर और डॉटर के ऐसे सीन्स कभी हिंदी फिल्मों में आए नहीं थे बिकॉज पावरफुल वेरी रॉ मतलब उनका <laughs> इमोशंस क्योंकि आज तक डैड नहीं ऐसे होता था लेकिन ये मतलब फाइट्स और मेजर हाँ, रियलिस्टिक लेवल पर थी रियलिस्टिक लेवल पे मुझे ऐसा लगा फाइनली hmm. मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी यहाँ पे hmm. और स्पेशली आफ्टर मैंने सुभाष जी से कहा कि यस आई वांट टू बी अ हीरोइन नाउ तब से दिस वाज माय फर्स्ट सक्सेस और वो बहुत खुशी हुई मुझे उस बात की वाह दैट्स वंडरफुल और फिर जर्नी शुरू हुई आपकी तीन शिफ्टों की भाग दौड़ वर्किंग सेवन डेज अ वीक जी एंड दे स्टार्टेड कॉलिंग यू द अमिताभ बच्चन ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा वेरी बिग शूज टू फिल वेरी बिग शूज टू फिल हाउ डिड यू फ्रॉम अ गर्ल हु वाज रिलैक्सिंग हु वाज डूइंग कथक एटसेट्रा एटसेट्रा हाउ रोज अबाउट कर काम पे जाना उतनी शिद्दत से और फिर रोज खूबसूरत लगना

Uh. मुझे जो मैं कर रही थी वो मुझे बहुत पसंद आता था मुझे मजा आ रहा था कि मैं एक्टिंग uh. कर रही हूँ कैमरा के सामने हूँ मैं इमोट करती हूँ मैं डांस करती हूं, मैं ये सब करती हूँ तो uh, मेरा शौक था वो इट्स माय शौक और जब आपका शौक आपका प्रोफेशन हो जाता है mm. तो आप काम नहीं कर रहे यू आर डूइंग समथिंग यू एंजॉय डूइंग एंड माई फैमिली वॉज सो सपोर्टिव ऑल द टाइम मतलब so मेरे जो परिवार वेरी वार्म और कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि uh, मैं कुछ अलग कर रही हूँ दुनिया में याद मैं तो कुछ और हो गई मतलब स्टार हो गई तो कुछ और ही हो गया अब बेटी को कैसे कुछ कहे मेरी मम्मी आज भी शी कैन टेल मी वो तुम्हारी रूम ठीक नहीं है जाके ठीक करो वो सब कपड़े बाहर पड़े हैं पुट दैम इन दू नो कबर्ड और ठीक करो दे नेवर ट्रीटेड मी कभी ऐसे मुझे महसूस नहीं होने दिया मैं कुछ स्टार बन गई घर पर मैं नॉर्मली रहती थी नो आई वॉज दैर डॉटर उनकी बेटी थी पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट

माधुरी अम्बेरस होती है इतनी तारीफ क्यों हो रही है समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करूं नहीं कभी कभी ऐसा लगता है हेलो मैं यहाँ हूँ <laughs> you know? मैंने सुना कि मतलब सुना क्या मैंने काफी रिसोर्सफुल सोर्सेस से सुना कि हम आपके हैं कौन की जो साड़ी जिसमें आपने दीदी -दी तेरा देवर दीवाना गाया था उसमें काफी लोग सोचते हैं कि असली हीरे जड़ जड़े हुए थे ये पता है ये आपको कैसे पता चले ये रूमर मैं मैं भी मतलब ये रूमर मतलब मैं अपने बाल खुले नहीं, नहीं रखता हमा... लेकिन कान खुले रखता हूँ <laughs> <laughs> नहीं द फनी थिंग इज कि ये जो रूमर है ये हम आपके हैं कौन रिलीज हुई हिट हो गई बहुत चली उसके कुछ पाँच छः साल बाद ये रूमर किसी ने फ्लोट की कि उसमें जो साड़ी पहनी है

कह रहे ऐसा लगता है शादी की वीडियो देख रहे ये करें वो करें लेकिन आई थिंक वो दौर ऐसा चला कि जहाँ एक जॉइंट फैमिली का जो प्लेजर होता है कैसे सेलिब्रेट करते हैं शादियाँ जो एक माहौल बनता है जो एक क्लोजनेस बनती है विद इन रिलेटिव तो वो पहली बार बहुत दिनों बाद देखने मिला ऑन द स्क्रीन करेक्ट और दैट्स वॉट ग्रैप पीपल्स अटेंशन इस दौरान बाकी फिल्में भी चल रही थी बीच बीच में कुछ लोगों ने बोला कि अब आप एक ही किस्म की फिल्म करती हैं देन यू गिव देम टाइट वन वन बाय डूइंग ऑन साइड है, दिल तो पागल है yes. of, <laughs> नहीं, मैंने कभी किसी को लेसन वैसन सिखाने kind of तो तकलीफ तो होती है तो आपको भी पता भे? है मुझे भी पता है क्योंकि क्या है कि आप कुछ भी करो क्रिटिसाइज करेंगे ही लोग आधे हाँ लोग क्रिटिसाइज करेंगे आधे लोग प्रेज करेंगे तो आप वो क्रिटिसिज्म किस हद तक दिल में लगा लेते हैं या वो प्रेज के किस हद तक दिल में बिठा लेते हैं इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट जो मेरा जन्म था वो फ्रॉम कमर्शियल फिल्म क्योंकि तभी कमर्शियल फिल्म एक्ट्रेस आर्टिस्टिक फिल्म नहीं करती थी और नहीं करना चाहिए या बहुत कुछ ऐसे बहुत सारी ऐसे यू नो मे क्लीशेज थी तभी uh.

वुमेन पावर के बारे में यू नो ऐसी वो फिल्म थी और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया उसमें और मैंने हाँ की इट वॉज नॉट टू टीच एनी अगेन माई पेरेंट्स माई फैमिली वो मेरे फॉल बैक होते थे हमेशा इफ आई वॉज एवर डिप्रेस कि हा ये लिखा गया है ओ माई गॉड ऐसे तो मम्मी मुझे बोलती थी क्यों वाई यू फीलिंग दैट वे कभी-कभी अपसेट एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ हाउ यू डील विद देम और आप कैसे उसे uh, सुलझाते हैं या उसे कैसे फेस करते हैं दैट इज योर कैरेक्टर और अगर आप चाहते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग हो तो यू हैव टू फेस इट स्ट्रांगली स्क्वायरली तुम अपना काम करो प्रूव कि यू कैन डू अ गुड जॉब बाकी सब फॉलोस एंड द पर्सन हु रीलॉन्चड यू सुभाष घई व्हाट वाज स्पेशल अबाउट सुभाष जी

थोड़े कुछ सीखने मिला उनसे uh, इतना अच्छा म्यूजिक इज ट्रमेंडस और जो लार्जर दैन लाइफ काइंड ऑफ जो उनके uh, फिल्म होते हैं आई hmm. थिंक your एंड एट you decided ऑफ योर करियर यू डिसीजन कैसे लिया आपने अचानक क्योंकि came, बहुत सारे लोगों को झटका तो लगा ही लगा <laughs> बहुत सारे लोगों को बेहोशी का भी झटका <laughs> लिया तो ये मेरे ध्यान में कभी नहीं आया मतलब टॉप ऑफ माई गेम तो अगर मैं शादी कर लूंगी तो क्या होगा ये होगा या वो होगा तो there's nothing, there's no hmm. क्योंकि मैंने uh, मेरी जिंदगी में मैंने डिसाइड किया था जब भी मैं ऐसे

तो uh, फिर लोगों को बुलाते हैं उसके बाद पूछते हैं ऐसे नेट करके वो कैसा लगा वो हुँ. कैसा लगा से आई एम नॉट इंटरेस्टेड मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी uh, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी हुई और उसके बाद मुझे पता था अभी कहीं ना कहीं से नच जाने वाला है कि वो कैसे लगा हुँ. लेकिन एक अच्छा लगा था अच्छा? <laughs> <laughs> क्या अच्छा लगा था आपको राम में बहुत सारे फैक्ट्स uh, दैट एक तो उन्हें बिल्कुल कोई अंदाज नहीं था कि मैं कौन हूँ मुझे family, अभी बहुत चेंज हुआ है लेकिन तभी वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन मूवीज तो उनका क्या ध्यान होता था कि पढ़ाई करनी है उनके बच्चे स्टूडियोस होने चाहिए ठीक से स्कूल करना चाहिए कॉलेज में या तो डॉक्टर लॉयर या ये बनना चाहिए और यही होता था उनका तो थ्रू कॉलेज so hmm. uh, जब बचपन में उनके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर सब यहीं हुआ करते थे दादर में hmm. तो ही hmm. उसके बाद course, जब कॉलेज uh, हो जाता है तो ही डिट नो उन्होंने आपसे वाकई पूछा कि आप क्या करती हैं yeah. तो, <laughs> अच्छा, या oh, था <laughs> तो कुछ पता नहीं था जब मिले और देन ही वेंट बैक और uh, उन्होंने रिसर्च किया कि है कौन uh. तब पता चला कि इज एन एक्ट्रेस फ्रॉम इंडिया लेकिन दैट वाज वेरी रिफ्रेशिंग क्योंकि ही गॉट टू नो मी एज अ पर्सन फर्स्ट कि मैं कैसी इंसान हूँ hmm. कोई प्री कंसिव नोशन नहीं थे कि माधुरी दीक्षित है तो वो ऐसे साड़ी पहन के कुछ स्टेप करते हुए hmm. बाहर आएगी या इतना मेकअप वेकअप लगा होगा पता नहीं कैसे ड्रेस्ड होगी और पता hmm. नहीं परी होगी या क्या होगी या hmm.

यू नो अनुपम जी इट्स वेरी स्ट्रेंज क्योंकि लाइफ में एक के गोल्स होते हैं राइट एक दिन जब मैं उठती थी सुबह वेदर इट वॉज माई किड्स आज कुछ करना है आज क्या शॉपिंग करनी है तो एवरी थिंग आई डिड वॉज आउट ऑफ लव आउट ऑफ द फैक्ट दैट मैं करना चाहती हूँ ये यू नो आई वॉन्ट टू हैव अमिली आई वॉन्ट टू हैव किड्स और कभी उसके लिए मैं कुछ और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती यू नो आई के नॉट से अगर मैं ये करूँ तो मैं प्रोफेशन मेरा नहीं या मैं फिल्मी नहीं कर पाऊँगी ऐसा कुछ मुझे लगा ही नहीं तभी तो ये सब मैं मेरे लिए एक ड्रीम ही था मेरे लिए जो आई वाज लिविंग यू नो इट वाज पार्ट ऑफ एक हिस्सा मेरे ड्रीम का रियलिटी थी जो रियलिटी थी तो आप अपनी जिंदगी जीने लगी सडनली जीने लगी यस और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो एज अ स्टार आप कर नहीं सकते हैं वो सब कुछ करने मिला मुझे वहाँ मैं शॉपिंग भी जाती थी ग्रोसरी शॉपिंग चाहे सब्जी खरीदनी हो या

जो पुरानी फिल्में oh. देखते हैं प्लीज नो no. बताओ ना टमाटर वमाटर <कोई मा? नहीं एक बार कोयला पिक्चर आ रही थी टीवी पे uh तो मेरे बेटे ने वो देख लिया भांग के नशे में वो जो गाना था uh हो गए हम बम चिके बम बोले बम चिके तो उसने देखा होगा वो गाना uh तो मैं जब घर गई तो उसके कंप्यूटर पे एक नोट थी जिसके ऊपर मॉम लिखा हुआ था तो so, मैंने उठाया नोट मेरे लिए नोट सो डियर मॉम वाई आर यू एक्टिंग सो फनी इन कोयला मम्मी ऐसा क्यों कर रही है कुछ फेसेस बना रही है कुछ ऐसा तो दे दे फील आई डोंट नो हैव आप चाहेंगे कि उनमें से कोई एक्टर बने uh, मैं चाहूंगी कि वो जो कुछ भी करे लाइफ में इसलिए करे क्योंकि वो करना चाहते, चाहते हैं क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको लगाव है जिस चीज से और वो चीज आप करेंगे तो यू विल डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज और जो कुछ भी वो करें दे विल ऑलवेज ट्राई कि वो द बेस्ट करें माधुरी नाउ यू आर एट अ स्टेज जहां योर हैप्पी टचवुड जिंदगी के पर्सनल लाइफ को लेकर आप काम भी कर रही हैं जो आपको करना है जी अब क्या करना चाह रही हैं Well, अभी एक इनिशिएटिव मैंने किया है जहाँ मैंने एक ऑनलाइन डांस एकेडमी बनाई है मेरी यस yes. अच्छा और वहाँ पे जैसे किसी को डांस सीखना है हुँ. तो जो एक्सेसिबिलिटी होती है और अपॉरचुनिटी होती है वो नहीं मिलती हुँ. आप जो आसपास होते हैं टीचर्स उनसे आप सीख लेते हैं हुँ. लेकिन शायद वो बेस्ट ना हो शायद आपको कुछ और अच्छा सीखना है हुँ. तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है वो मैंने दूर की है क्योंकि बेस्ट जो टीचर्स हैं उनको लेकर आई हूँ मैं जैसे महाराज जी हैं बिरजू महाराज जी अच्छा। वो सिखा रहे हैं कथक अच्छा। uh, रेमो दुसूजा, दुसूजा इज़ uh, टीचिंग टेरेंस लोस इज़ टीचिंग ऑन दिस सब ये सब सरोज खान इज़ टीचिंग ऑन इट तो सबको एक छाते के नीचे लाया है मैंने ताकि लोगों को अच्छे लोगों से सीखने का मौका मिले और इसे हम लोगों ने बहुत ही डेमोक्रेटिक वे ऑफ टीचिंग है जहाँ गेमिफाई किया है उसको सो यू गेट पॉइंट्स और आपको बैजेस मिलते हैं स्टैमिना पॉइंट्स मिलते हैं और एट एट अ पॉइंट आप एक हद तक पहुँचेंगे तो सर्टिफिकेशन मिलेगा यू you नो know, कि आप डांस विद माधुरी से सीखे हैं किसका तो आइडिया ये ये uh, मेरे हस्बैंड का आइडिया है क्योंकि मेरा आइडिया था कि कल्चर वी नो इज डाइंग टूडे धीरे धीरे हमारे क्लासिकल डांसेज ये वो सब पीछे होते जा रहे हैं तो मुझे ऐसे लगा कि कैसे कैसे हाउ विल वी टेक दिस डांस जो जॉय मुझे मिलता है hmm. आ, लोग मुझे पूछते हैं आप इतने फिट क्यों हैं व्हाई डू यू लुक सो गुड तो आई फील कि इट्स द डांसिंग क्योंकि डांस एक एक्सरसाइज भी है डांस एक होलिस्टिक काइंड ऑफ फीलिंग भी है Correct. और उसकी वजह से आई थिंक इट हेल्प्स यू अलॉट तो ये जो आर्ट फॉर्म है कैसे लेके जाऊँ हर घर में तो इस आइडिया से वो जर्म शुरू हुआ और हमने ये अकेडमी बनाई और फ्री है तो आप जब चाहे जहां चाहे मैं भी एनरोल कर सकता हूँ प्लीज पक्का करूंगा आज मैं आपको एक स्टेप सिखा के जाऊंगी जाने से पहले यूजली <laughs> 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 जब आप शोज पे जाते हैं तो इट्स सेज बट आई सरप्राइज फॉर यूट समथिंग फॉर यू फ्रॉम डांस विद माधुरी इफ यू अलव मी टूट सो दिस इज फ्रॉम डांस विद माधुरी

एक इजी से स्टेप ये आप कहते हैं ऊट आया पहाड़ के नीचे <laughs> हाँ। बहुत इजी है कुछ नहीं करना है आप ठेंगा तो दिखा सकते हैं ठेंगा दिखा दीजिए हां ओके अब सिर्फ आपको ये मूव करना है और आपकी कमर मूव oh. होगी उसके साथ-साथ ये ओह दैट्स फैंटा यू और चने के खेत में इतना इजी है वाह मैं तो मैं चढ़ गया चने के खेत में फैंटास्टिक <laughs> चलिए तो वक्त आ गया है स्टूडियो ऑडियंस में से किसी की जिंदगी का कुछ भी हो सकता है मोमेंट बनाने का माधुरी मैं इस बोल में हमारी ऑडियंस में से सबके नाम लिखे हुए हैं <laughs> तो आपको एक नाम निकालना है जी. और ही और शी विल कम हियर एंड विल गेट अ चांस टू बी विद यू रिया रिया, रिया. रिया जी ये तो माधुरी बनके आई हैं आइए तशरीफ रखिए बैठिए हेलो नाइस टू मीट यू नाइस टू मीट यू हाय नाइस टू बैठिए रिया व्हाट व्हाट आर योर फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ माधुरी Uh, एक दो तीन hmm. uh, के सारा सारा दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट मतलब मैं इतना ट्राई करती हूँ पर मैं नहीं कर पाती वो स्टेप्स एंड hmm. घाघरा अभी मेरा सबसे फेवरेट है तो इसलिए फिर मैं घाघरा ही पहन के आई आज आर यू प्रिपेयर्ड टू डू अ सॉन्ग नंबर यस आई वुड लव टू चलिए लेट्स सी यू परफॉर्मिंग मैं इनसे इनसे अच्छा नहीं कर सकती बट मैं ट्राई करूंगी कोई बात नहीं व्हिच सॉन्ग वुड यू लाइक टू हैव घाघरा घाघरा है तो घाघरा होगा क्या बात है तो ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है बिल्कुल ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है मेरी लाइफ में या <laughs> हाँ जी आ इसका टेप बना देना आपकी शादी तो नहीं हुई अभी नहीं नहीं अभी नहीं आप अपने ससुराल वालों को भेज सकती हैं कि <laughs> नहीं वो <laughs> उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा मैं किसी भी शादी में जाती हूँ हाँ

तो वैसे <laughs> अब माधुरी की कुछ पसंदीदा चीजें हम आपको देते हैं इनकी तरफ से आपको गिफ्ट देते हैं आइए वाह ये ओ जेफरी आचर मेरे फेवरेट ऑथर हैं दैट सम्राट वेरी गुड और ये पूरा आपके लिए कांग्रेचुलेशंस Wonderful. This is for you. इज फोर यू पर थैंक यू ऑल द बेस्ट थैंक यू द बेस्ट वाह मैंने आपके साथ इतना समय आई थिंक बहुत सालों बाद गुजारा और एक बात मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कह सकता हूं कि आप में जरा भी अहम नहीं है जरा भी आप में इस तरह की भावना नहीं है कि अब मैं माधुरी दीक्षित हूँ आई थिंक और वो आपकी सफलता का राज हमेशा बरकरार रहेगा एंड थैंक यू फॉर बींग द वे यू आर ऑल योर लाइफ थैंक यू हमने अपने कुछ जज्बात uh, अपने इस कागज के टुकड़े पर लिखे हैं मुझे उम्मीद है कि आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसी जगह जरूर होगी जहां पर आप इसको uh, लगाएंगी जी बिल्कुल आइए हिंदुस्तानी सिनेमा जगत के गौरव व वैभव का प्रतिबिंब माधुरी दीक्षित ने आपको हमारा नमस्कार आप एक विशेष कलाकार हैं जिसकी योग्यता अद्वितीय है आपकी निष्ठा और दृढ़ता समाज के लिए एक प्रेरणा है आप नारी शक्ति की आजाद सोच का एक अहम हिस्सा हैं आपका हंसमुख गुण आपके भीतर की अच्छाई दर्शाता है आप सदैव खुश रहें और हमें खुशी प्रदान करते रहें यही हमारी आशा है अनुपम खेर So दोस्तों इसके साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है मैं उम्मीद करता हूं कि माधुरी की कामयाब कहानी की अद्भुत दास्तान सुनकर आपको अच्छा लगा होगा अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मेरे एक नए मित्र के साथ तब तक के लिए हंसते रहिए हंसाते रहिए और याद रखिए कि जो इंसान अपना साहस और आत्मविश्वास नहीं खोता वो कभी नाकामयाब नहीं होता तो बढ़ते रहिए क्योंकि लाइफ में कुछ